बेसन से कितना अच्छा स्नैक और डोसा बना सकते हैं, ये रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस पकवान। मैं आज आपके लिए बेसन से बहुत अच्छी बनने वाली रेसिपी डोसा और से स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं, एक अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने 2 चम्मच बेसन के लिए एक मिक्सर जार में 1/2 चम्मच सूजी और 1 चम्मच दही का लिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं इसको तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक हमें एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार ना मिल जाए। जब ब्लेंड करने के बाद हमें एक बहुत अच्छा हमें डोसा बैटर बनकर तैयार मिल जाता है। ये हमारा बेसन है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए जो डाइट चार्ट फॉलो करते उनके लिए। अगर बच्चे रोटी नहीं खाते तो इसका आप डोसा बनाकर दोगे तो आप वो बार बार आपको बोलेंगे कि हमें यही चाहिए। ये देखो हमारे पास कितना अच्छा बैटर बनकर तैयार हो गया। अब मैं एक बॉल लूँगी और ये सारा मैं जो बैटर है उसमें ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि इसमें हमने सूजी मिलाई होती है तो सूजी हमें थोड़ा फूलने में टाइम लगती है, तो उसको बॉल में डालकर मैं इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ी फूल जाए। एक लिड के साथ इसको ढक दूंगी। फिर मैं इसके लिए मैं स्टफिंग करूंगी। स्टफिंग के लिए मैं सब्जियां लूंगी। सब्जियां मैंने अपनी चॉइस की ली है, आप चाहे अपने कोई भी चॉइस की सब्जी ले सकते हैं। मैंने प्याज, पनीर, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है। आप इसमें से कोई स्किप भी कर सकते हो, अगर इसके अलावा कोई सब्जी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें तेल डालूँगी। तेल गर्म होने के बाद मैं सबसे पहले मैं 1 चम्मच उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट लूँगी, ये चॉप्ड किया हुआ है। आप चाहे इसको स्किप भी करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं। और उस थोड़ा मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया और उसको थोड़ा रोस्ट करूँगी। ये हल्का ब्राउन ही करना, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद मैंने चॉप्ड प्याज डालूँगी इसमें। प्याज के साथ मैंने ग्रीन चिल्ली भी चॉप की हुई है तो उसको भी डालूंगी और उसको हल्के सॉटे करूंगी। ये सब्जियां हमने अपनी चॉइस की सब्जियां ली हुई है और अपने आप जो भी लेना चाहते हो सब्जी वही ले सकते हैं, जो छोड़ना है तो वो छोड़ भी सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा, अगर आप इसको पकाना भी नहीं चाहते तो ऐसे हल्का सा इसको इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के बाद आप इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी ताकि इसमें अच्छे से एक पेस्ट हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाए स्टफिंग के लिए। और उसके बाद अब मैं सब्जियां इसके साथ डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर गाजर और पनीर दोनों ग्रेट किए हुए हैं, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ये दोनों बारीक चॉप करके रखे हुए हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से जैसे भी सब्जी कोई डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं जो अपना टेस्ट, क्यों इन सब्जियों में सभी में न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, हेल्दी होती सेहत के लिए। ये इनसे हमें बहुत वैल्यू एनर्जी भी मिलती है, जैसे पनीर है, हमें पनीर से भी हमें एनर्जी मिलती है और बच्चे बहुत शौक के साथ खाते हैं और कभी स्किप नहीं करेंगे अगर आप उनको ये वाला डोसा और स्टफिंग के साथ दोगे। मैं अभी इसमें टमाटर डालूंगी एंड में, थोड़ा नमक भी डाल दिया। नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, नमक इसी में ही डालना, हमने डोसा में नहीं डाला। तो इसको हमने तब तक सॉटे करना है जब तक ये इसका जो मॉइस्चर है वो नहीं ख़त्म हो जाता। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये हमें धीरे धीरे इनको सॉटे करते हुए सिम पे रखना है, हम जो इसकी फ्लेम रखनी है गैस की। और ये बहुत जल्दी 5 मिनट में तैयार हो जाता है। अब हमारा लगभग ये जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है स्टफिंग के लिए, तो अब हम इसको अपने स्टफिंग हमारी बन। अब मैंने जो 10-15 मिनट के लिए डोसा बैटर तैयार होने के रखा था उसको चेक करूंगी। ये देखो कितना अच्छा हमारा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो चुका है। ये अब डोसा बनाने के लिए हमारा बैटर अच्छा बन चुका है, स्मूथ है, सॉफ्ट है। मैंने तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए और उसके ऊपर मैं ये बैटर डालूँगी। मैं बैटर इस ढंग से डालूँगी कि इसको हल्के हाथों से हमने पूरा स्प्रेड करना है ताकि इसकी एक पतली लेयर बने, हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना और इसको बहुत ज़्यादा जोर के हाथों से प्रेस करके नहीं डालना, हल्के हाथों से इसको स्प्रेड कर देना है।
फिर मैं इसको एक लिड के साथ इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। एक डेढ़ मिनट रखने के बाद इसको मैं चेक करूंगी ये पक चुका है कि नहीं। अब देखें हम चेक करेंगे और इसके बेस से पता चल जाएगा ये बन चुका है। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर ऑयल डालना तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने ड्राई रखा है। अब मैं इसके ऊपर जो सब्जियां हमारी स्टफिंग तैयार करके रखी हुई है वो इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी पूरी तरह। इससे पूरे डोसे के ऊपर सब्जियां स्टफिंग है वो सारी ऊपर डाल दूंगी और अच्छे से उसको पूरी तरह मैश करके डालो। ये मैश तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। ये क्रंची बनता है, हमें खाने में बहुत टेस्टी बनता है और ये डाइट चार्ट वालों के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार होके मिल जाता है। ये बच्चों के लिए भी स्नैक्स है, आप टिफ़िन में डालो तो बच्चे कभी भी आप टिफ़िन नहीं छोड़ के आएंगे। अब मैं रोल करके इसको अपनी प्लेट में रख लूँगी। तब तक मैंने ये रखा तो मैं इसके लिए एक और डोसा तैयार करती हूँ। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम दूसरा डोसा भी बनाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी हमारा नाश्ता बनता है। जब तक हमारा दूसरा डोसा तैयार होता है तब तक मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ जो हमने पहले बनाया एज ए स्नैक की तरह। और उसके बाद मैं हमारा लगभग दूसरा डोसा भी बनकर तैयार हो चुका है और उसको भी मैं स्टफिंग कर दूँगी सब्जियों के साथ। उसके ऊपर भी सारी हम जो सब्जियों की स्टफिंग है पूरे डोसे के ऊपर कर लेंगे। आप मेरे कहने पर ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत अच्छी यम्मी और हेल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जो बच्चे हैं। बच्चों के टिफ़िन में अगर आप डाल कर दोगे जो कभी टिफ़िन आपका खाली नहीं आएगा। और दूसरा जो डाइट चार्ट फॉलो करते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा नाश्ता हेल्दी और भरपूर एनर्जी देने वाला। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।